क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। 10,000 योजन की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई वाले उस पर्वत की लोहे, चांदी एवं सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं व आकाश जगमगाते रहते थे। उस त्रिकूट पर्वत पर विविध जाति के वृक्ष, लताएं व झाड़ियों से वह पर्वत सदैव गुंजायमान रहता था। पर्वत की कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं सदा विहार करते रहते थे। इसी पर्वत की तराई में भगवान वरुण का एक उद्यान था ऋतुमान, जिसमें मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, आम, खजूर, चंदन, अर्जुन, बरगद व अनेक प्रकार के दिव्य वृक्ष थे, जो सदैव फूलों व फलों से झूलते रहते थे। पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत से हथनियों के साथ गजेंद्र निवास करता था, जो वहां के बड़े बड़े हाथियों का सरदार था। गजेंद्र केवल अपनी विशाल काया और शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और शालीनता के लिए भी प्रसिद्ध था। जंगल के सारे जीव उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। यह जंगल अपने आप में एक स्वर्ग था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फल व फूल थे एवं स्वच्छ झीलें थी। एक बार तपती दोपहर में गजेंद्र अपने परिवार के साथ पानी की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसे एक शांत झील दिखाई दी, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और वह हरियाली से घिरा हुआ था। झील का पानी सूर्य की किरणों से चमक रहा था और उसका स्वच्छ जल गजेंद्र और उसके झुंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बिना किसी देरी के गजेंद्र ने अपने झुंड का नेतृत्व किया और सभी ने झील में प्रवेश किया। वे ठंडे पानी में नहाते और आनंद मनाते रहे। गजेंद्र अपनी विशाल सूंड से पानी छिड़कता और पूरा जंगल उनकी खुशियों की गूंज से भर जाता। लेकिन गजेंद्र यह नहीं जानता था कि झील की शांत सतह के नीचे एक घातक खतरा छिपा हुआ था। उस झील में एक विशाल मगरमच्छ रहता था, जो सदियों से वहां मौजूद था। जब गजेंद्र ने उसकी सीमा में प्रवेश किया, तो मगरमच्छ ने हमला करने का मौका देखा। अचानक मगरमच्छ ने छलांग लगाई और अपने विशाल जबड़ों से गजेंद्र के पैर को जकड़ लिया। यह हमला तेज था और गजेंद्र पूरी तरह से अचंभित रह गया। अपनी महान शक्ति के बावजूद वह खुद को मगरमच्छ की मजबूत पकड़ से मुक्त नहीं कर सका। झील का पानी उथल पुथल मचाने लगा और गजेंद्र का झुंड किनारे पर खड़ा यह नजारा देख रहा था, पर वह सब मदद करने में असमर्थ थे। उन्होंने भयभीत होकर चिंगाड़ मारी, लेकिन कोई भी मगरमच्छ की पकड़ को तोड़ नहीं सका। गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच की यह लड़ाई घंटों तक चली, फिर यह लड़ाई दिनों में बदल गई। गजेंद्र ने पूरी शक्ति से संघर्ष किया, लेकिन पानी में मगरमच्छ की ताकत अद्वितीय थी। धीरे धीरे गजेंद्र की ताकत घटने लगी, उसकी विशाल देह कमजोर हो रही थी। जब गजेंद्र को लगा कि कोई भी उसे मगरमच्छ की पकड़ से मुक्त नहीं कर सकता था, तब गजेंद्र को अपने पिछले जीवन की याद आई। अपने पिछले जीवन में गजेंद्र एक महान राजा था, जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान विष्णु का महान भक्त था, लेकिन अगस्त ऋषि के शाप के कारण उसे अगले जन्म में हाथी के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन उसके इस जीवन में भी उसकी आत्मा भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति को संजोए हुए थी। जब गजेंद्र ने खुद को असहाय पाया, तो उसने अपने मन को उस भक्ति की ओर मोड़ा जो उसे बचा सकती थी। उसने अपनी सूंड से झील से एक कमल का फूल तोड़ा और उसे भगवान विष्णु को अर्पित किया। उसने आकाश की ओर फूल उठाकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप सृष्टि के रक्षक हैं, केवल आप ही मुझे इस दुख से मुक्त कर सकते हैं, कृपया मुझे बचाइए। उसकी प्रार्थना पूर्ण भक्ति और विनम्रता से भरी थी। यह केवल सहायता की पुकार नहीं थी, बल्कि आत्मसमर्पण की प्रार्थना थी। यह स्वीकार करते हुए कि केवल दिव्य कृपा ही उसे बचा सकती है। गजेंद्र की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु
वैकुंठ में अपने सिंहासन पर बैठे तुरंत उसकी सहायता के लिए आए। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर शीघ्रता से झील की ओर आए। उनके आगमन से पूरा जंगल शांत हो गया। उन्होंने गजेंद्र और मगरमच्छ की स्थिति देखी और बिना किसी देरी के अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया, जिससे गजेंद्र तुरंत मुक्त हो गया। गजेंद्र अपनी भक्ति और कृतज्ञता से अभिभूत होकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। गजेंद्र ने भगवान विष्णु को कमल का फूल अर्पित किया और साष्टांग प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को आशीर्वाद दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। मगरमच्छ, जो वास्तव में एक श्रापित गंधर्व था, भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से उसे भी मुक्त किया। इस तरह भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को मुक्ति दी और जंगल में शांति फिर से स्थापित कर दी।